गाड़ी आपके कब से नहीं आ रही? तो परेशानी हो रही है इसकी वजह से? कौन सा वार्ड है आपका नाम? थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। वार्ड है हमारा, साफ करेंगे। जब मोदी जी झाड़ू लगा सकते हैं तो मेरे को क्या करना। लेने आए थे आप? क्या कौन थे? तो ये क्यों आए लेने? हड़ताल चल रही है। तो कब से नहीं आए अभी तक आपके पास में? परेशानी हो रही है आपको? कौन सा वार्ड है? कौन सा एरिया है? क्या नाम है आपका? अभी पर कचरा दिया तो हल्का पड़ा घर को आपके? क्या आंटी, कौन आया था कचरा लेने? क्या मामला? अभी कचरा लेने कौन आया था आपके? कौन सा वार्ड है? तो क्या परेशानी, गाड़ी नहीं आ रही क्या? तो परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है आपको? आज कचरा डाला घर से निकाल के तो कैसा लगा? वो भैया को डाला, शर्म ही डालते। क्या नाम है आपका? झाड़ू निकालने वाले भी नहीं आते कुशवाहा। आपका नाम क्या? सूरज सिंह जी कुशवाहा। ठीक, आपका हम भी। मेरे को तो एक घर का कचरा लेना है आज। भैया बताइए, आज यहाँ पर वार्ड में आपके कचरा गाड़ी नहीं आई है, आप यहाँ पर लोगों से कचरा एकत्रित? भैया मैं सुबह 8 बजे से कचरा एकत्रित कर रहा हूँ, और एकत्रित करने का कारण ये है कि अभी देखो 2-4-8 दिन पहले कुत्ता मर गया। अब सफाई कर्मी ने पहले हड़ताल कर दी, अब कुत्ता मर गया, उसमें कीड़े पड़ गए। कोई ब्राह्मण व्यक्ति जो पूजा करने जा रहा है बोले भैया हम उठा लें, तो मैंने नहीं, मैं मेरे को आपने वोट दिया आप ऐसा काम मत करो। मैंने उस कुत्ते को उठाया, कुत्ते को उठाने के बाद में अभी 4 दिन हो गया कचरा गाड़ी नहीं आ रही। अब कचरा सड़ रहा, बारिश का समय आप भी समझते हो। दे फोन आज सुबह से मेरे पास में, और कल भी इतने फोन आ गए कि मैं बता नहीं सकता हूँ श्रीमान जी। तो मेरे को ये करा कि मैं घर घर जाके कचरा लूँगा। अब थोड़ा सोचना चाहिए, हमारा वार्ड में कचरा गाड़ी हम भोलेनाथ को जल्दी चढ़ाने जाए, उससे पहले तो संपत्ति कर और जल कर वाले पहले आ जाते, लाओ दो पैसा। अब पैसा हम ओरिजिनल दे रहे हैं, उसके बाद भी हम दुख उठा रहे हैं, क्या मतलब? ये जनता के साथ तो अन्याय है ना। तो मैंने एक एक गंभीर को वोट दिया, मार खाए जनता क्यों खाए, पार्षद खाए नहीं, और मजे ले तो ये लोग ले ऊपर वाले। तो मेरा तो ये मानना श्रीमान जी कि एक एक घर का कचरा रोज लूंगा, सुबह उठूंगा, क्योंकि मेरे को इनने चुना, इनने गलती नहीं करी है। एक एक घर का कचरा लेना पड़े तो एक एक घर का रोज लूंगा। आपने बता करा कि क्यों गाड़ी नहीं आई? अरे भैया वो बोले पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो मेरा घर बेच दूं मैं और पैसे दूं इनको, ये करना पड़े पा रहा पेमेंट। अरे क्या बोलूं साहब, कचरा गाड़ी वाले बोल रहे हैं मेरे को पेमेंट 3 महीने का नहीं दे रहे, उसके बाद में कह रहे हैं कि वो हमको अभी हड़ताल पे बैठे थे, कोई पार्षद नाम तो नहीं पता मेरे को उनका, लेकिन हाँ वो बैठे थे कि यार वो उनकी कोई की पेमेंट नहीं दे रहे तो हड़ताल पे। तो मेरा तो ये मानना है कि हम तो 5 साल मुझे चुना गया, तो वार्ड की जनता दुखी नहीं, वार्ड की जनता मेरी भगवान है, वो पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पेमेंट दो उनके भी, गरीब आदमी कोई कर्मचारी उनके काम कर रहा है तुम्हारे, दिन रात सुबह दिन रात कचरा उठा रहे, तो देना चाहिए उनकी भी पेमेंट। कब तक चलेगा आपका अभियान? मैं तो रोज चलूंगा, कचरा गाड़ी नहीं आएगी जब तक। किसका गलती मानते हैं पूरे के पूरे मकर? अरे गलती किसकी मानू साहब, आग खुली है, जमाना देख रहा है, कचरा गाड़ी नहीं आएंगे, जूते मेरे को देंगे। अब मैं गलती तो बोल दूँ की यहाँ पे चले खोल खोल, यहाँ कोई कुछ नहीं है, जल्दी काम नगर निगम की गलती है मान ले, दिखी नहीं ना इनकी व्यवस्था सही नहीं है, इनकी व्यवस्था सही होती तो उनको पेमेंट मिल जाता, उनको पेमेंट मिल जाता तो कचरा गाड़ी आ जाती, कचरा गाड़ी आती तो पार्षद घर में सोता या जूते थोड़ी खाता। आपका रूपेश वर्मा, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 22।